थोड़ा सा मुझे गिला है हाफिज साहब से और शाकिब साहब से कि जो जो बातें हो सकती थी उन्होंने सब कर दी और मेरे लिए कुछ बचाई नहीं, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगा। आज मेरा इरादा नहीं था इस तरह से आप लोगों से गुफ्तगू करने का, क्योंकि मैं कैमरे के सामने जितना शेर हूँ उतना इस तरह लाइव बिल्कुल मुझसे बोला नहीं जाता, तो मैंने बिल्कुल आज तकलीफ नहीं करनी थी। मैं तो हैरान था कि लोग किस तरह बात कर लेते हैं। तो बचपन में मैं स्कूल में डिबेटर रहा हूँ, बहुत सी मैंने तकलीफें की, लेकिन हमेशा मेरा एक प्रॉब्लम था, जैसे ही मैं आता था तो मैं भूल जाता था। इसीलिए आज भी मैंने सोचा कि कुछ लिख कर लाऊँ, अगर करनी पड़ जाए, वैसे तो मैंने कह दिया था कि मैं नहीं करूँगा, अगर करनी पड़ जाए तो मैं पर्ची जेल में रख के लाऊँ, लेकिन मैंने सोचा कि क्योंकि आप लोगों को इंस्पायर करना, ठीक है, ज़िंदगी में सक्सेस का एक बहुत बड़ा जो तरीका है, एक पॉइंट है, वो ये है कि फेस योर फेलियर्स, फेस योर फियर्स, जो आपको ज़िंदगी में जिस चीज़ से आपको डर लगता है उसी को आपने फेस करना है। जब आपने उसको फेस कर लिया तब आपकी तरक्की की राहें हमवार हो जाएंगी। तो ये मेरा बहुत बड़ा फियर था, इसलिए मैं पर्ची नहीं निकालूंगा। तो अब जब भी भूल जाएगा ठीक है। तो यहाँ सोशल मीडिया की बात हो रही है, सक्सेस की बात हो रही है, पैसे कमाने की बात हो रही है। आजकल सोशल मीडिया में पैसे कमाने की बहुत बातें होती हैं, ऐसे पैसा कमा लो, बेतहाशा बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन सबसे अच्छा तरीका जो है ना, सबसे अच्छा तरीका वो आपको कोई नहीं बताता। इस वक्त पाकिस्तान के जो हालात हैं, बहुत सारे लोग, बहुत सारे मोटिवेशन स्पीकर्स आपको पैसे कमाने का तरीका बता रहे हैं, लेकिन मैं आपको असल तरीका बताऊँ। पैसे कमाने का पाकिस्तान में असल तरीका इस वक्त ये है, लोगों को पैसे कमाने का तरीका बताना। आप YouTube पे जाएं, आप देखें भरी पड़ी है वीडियोस, ऐसे पैसे कमा लो। एक बंदा आपको अच्छी नीयत से पैसे कमाने का तरीका बताता है, तो जो सुनने वाला होता है वो उस पर अमल नहीं करता, वो उसकी नकल में वीडियो बना देता है कि तुम ऐसे पैसे कमा लो। इसी तरह बहुत सारे लोग पैसे कमाने का आपको तरीका बताते, ये भी एक तरीका है, ये भी एक हो सकता है। तो कामयाब आप तभी होंगे जब आप अमल करेंगे, जब आप स्टार्ट करेंगे। सबसे मुश्किल मरहला जो होता है ना, वो स्टार्ट करने का होता है, उसके बाद आपके मरहले ईजी होते जाते हैं, बीच में फिर मुश्किल आती हैं जिनसे आपको लड़ना होता है। मेरा ताल्लुक डेरा राम खान से है, और मेरी स्टोरी जो है, मैंने शाकिब साहब की स्टोरी सुनी तो मुझे हूबहू बिल्कुल अपनी स्टोरी लगी। डेरा गाजी खान साउथ पंजाब का इलाका है, एक बैकवर्ड एरिया है, जब मैं पैदा हुआ तब तो जाहिर है, और मेरा प्रॉब्लम ये था कि मैं, आप में से जो मुझे जानता है, मैं एक आर्टिस्ट हूँ, ठीक है, लेकिन मेरी फैमिली में बहुत डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, कोई एक आप चार्टर्ड अकाउंटेंट निकल आएगा, वरना ज़्यादातर डॉक्टर्स ही। तो मेरे पेरेंट्स का पाप था, मेरा बड़ा भाई भी डॉक्टर न्यूरोसर्जन, और तो मेरे पेरेंट्स का पाप था कि मैं भी डॉक्टर हूँ, ठीक है। तो बचपन से ही एक मेरे ऊपर प्रेशर था, पढ़ाई का बहुत ज़्यादा प्रेशर था, लेकिन मैं हमेशा जब भी किताब खोलता था तो मेरा सर ऊपर, आंखें बंद, घंटे बाद वापस आया तो पहली लाइन पर बैठा हूँ। इमेजिनेटिव था बहुत ज़्यादा, इमेजिन बहुत ज़्यादा करता था। तो खैर FSC की, उसके बाद पूरी कोशिश वालदैन ने की डॉक्टर बने, ठीक है। लेकिन अब मैं कुछ दोस्तों को बता रहा था कि जाहिर मैरिट पे तो मेरा नहीं हुआ, मैरिट बड़ा मुश्किल काम, मैरिट पे तो नहीं हुआ, तो मुझे प्राइवेट कराने की कोशिश की गई, ठीक है। तो उस वक्त जिस चीज़ ने मुझे बचाया वो था इस्तखारा। मैंने कहा इस्तखारा करें, तो किसी मौलवी साहब से इस्तखारा कराया, तो फॉर्चुनेटली वो मेडिकल के हक में नहीं आया। बाय द वे, एक दफ़ा कोई अंकल ने हमारे घर में एस्ट्रोलॉजर को लेके आया, ज्योतिषी को लेके आया, उसने हाथ देखे, उससे पूछा गया वालदैन की तरफ से, इसको डॉक्टर बनाना, उसने देखा बंदे मारेगा ना बने, तो वहाँ से बचत हो गई। खैर FSC के बाद मैं लाहौर आ गया,
मैं 2003 की बात है, मैंने कैट में एडमिशन लिया, सर्टिफाइड अकाउंटिंग टेक्नीशियन ACCA से पहले, उस वक्त काफ़ी नया था, जैसे सोशल मीडिया भी नया है वो काफ़ी नया था, उसमें दाखिला लिया। अकाउंटिंग मैंने पढ़ी, 1.5 साल पढ़ी, कैट कर लिया। तो मैंने पूछा कहा ये मेरे बस की बात नहीं, अब उन्होंने कहा नहीं तुमने ये कर लिया ACCA भी हो जाएगा। खैर ACCA स्टार्ट किया, पहले 3 पेपर थे, उसके बाद मैंने कहा कि मुझे NCA इधर नजर आया, मैंने कहा ये वो जगह है जो मेरी हो सकती है। NCA मैंने फिल्म स्टडीज पढ़ी हैं, क्योंकि मैं बचपन से ही कैमरे का मुझे काफ़ी शौक था। जब मैं 8वीं क्लास में था तो मैंने अपने टीचर से कैमरा खरीदा था, पहला वीडियो कैमरा, तो उससे मुझे इश्क हो गया था, आज तक इश्क है मुझे कैमरे से। तो खैर NCA गया वहाँ से मैंने, लेकिन वो फिर सोसाइटी के प्रेशर होते हैं आपके ऊपर, प्रेशर लाइक कि तुम क्या कर रहे हो, क्या करना चाह रहे हो, तुम वापस आओ, कोई और काम करो। मुझे बुलाया गया, मैंने BA किया, सिंपल BA किया, उसमें जर्नलिज्म का भी एक सब्जेक्ट था, BA किया। उसके बाद वालदैन ने कहा MBA करो, मैंने बहुत दिन तक किया मुल्तान से MBA मार्केटिंग किया, लेकिन कुछ समझ नहीं आई क्या मैं कर क्यों रहा हूँ, ये क्या है, मुझे समझ नहीं आती थी कि मैं क्यों कर रहा हूँ, जो दिल नहीं कह रहा वो मैं क्यों कर रहा। तो मैंने वहाँ से ये किया। उसके बाद फिर मुझे वालदैन ने कहा अब बाहर जाओ, बाहर जाने का ट्रेंड, मैं बाहर गया, मैं लंदन गया, वहाँ से मैंने मास्टर्स किया ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, बहुत सी चीज़ें सीखी, बहुत फ़ायदा हुआ, लेकिन समझ नहीं आई कि क्यों कर रहा। वापस आया, वहाँ मैंने फिर फ्रीलांसिंग एकेडमिक राइटिंग शुरू की, एक कंपनी के लिए मैं लिखता था, अच्छे पाउंड आते थे मुझे, बहुत अच्छे आते थे, लेकिन मज़ा नहीं आ रहा, समझ नहीं आ रही। तो UK से मैं वापस आया, और उसके बाद मैंने 3-5 साल वो की, ठीक है, लेकिन फिर दिल से ना एक चीज़, दिल वो जो आपने कहा था शाकिर साहब, दिल से नहीं निकल रहा, तो मैं वो छोड़ दी। फिर मैंने फैसला किया कि अब मुझे वही करना है, बड़ी देर से एहसास हुआ कि वही करूँगा जो दिल कहता। तो फिर मैंने कैमरा उठाया और मैं शूट्स करने लग गया, मुझे फिल्म का शौक था, मैं फिल्म्स में गया, मैंने फिल्म्स में कैमरा टीम में काम किया, वो जो आपने देखो क्लैप नहीं करता लड़का, क्लैपर लोडर जो होता है उसे कहते हैं, मैंने वो क्लैप्स की, ठीक है। तो फिल्म में मैंने काम किया, उसके बाद मैंगो बॉस तो आप जानते होंगे, मैंगो बॉस मैंने ज्वाइन किया, उसके बाद फिर मैंने एक सरकारी नौकरी भी की, और वो मेरी ज़िंदगी का बुरा तरीन तजर्बा था, 3 साल मैंने नौकरी की सरकारी नौकरी। उसके बाद फाइनली मार्च 2023 में, बहुत से लोग मुझे हंसते हुए नजर आ रहे हैं, हम मुझे पता ही क्यों हंस रहे हैं, मार्च 2023 में मैंने फाइनली फैसला किया कि अब मैंने मेरा YouTube 2017 से है, बाय द वे 2017 से मैं YouTube पर हूँ, लेकिन 2023 में मैंने फाइनली फैसला किया कि अब आई हैव टू बी कंसिस्टेंट, ठीक है। एक खौफ था मुझे, हम सब में एक खौफ होता है, एक आ रही हो ना आपके पास मंथली एक सैलरी आ रही हो तो आपको तसल्ली होती है, वो खौफ था, तो वो खौफ का बुद्ध जो है ना मैंने फाइनली तोड़ा, मैंने कहा अब नहीं, अब जिंदगी बहुत गुजर गई है, अब यही करना है। तो मैंने मार्च 2023 में ये फैसला किया कि अब मुझे कंसिस्टेंटली YouTube पे काम करना है, जो मुझे बहुत पहले करना चाहिए था, लेकिन जैसे ही मैंने शुरू किया मुझे उसके रिजल्ट्स नजर आना शुरू हो, ठीक। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह सही चल रहा है, लेकिन कुछ बातें हैं, देखें आपने ना शुरू करना है, कोई भी काम शुरू करना है, सक्सेस का एक तो अपने दिमागों में ना सक्सेस की डेफिनेशन सही कर लेना। सक्सेस हमें जो सिखा दिया गया, हमें जो मगरबी माशरे से ये सिखाया गया, और आज हम भी यही कहते हैं, सक्सेस क्या है, जर जन जमीन, इस डेफिनेशन को चेंज कर लें तो फिर आपके बहुत से मसाइल ठीक हो जाएंगे। अभी हाफिज साहब ने बताया, शाकिर साहब ने बताया, हम शुरुआत ही पैसे से करते हैं कि कौन सी चीज़ है जो मुझे ज़्यादा पैसा दे। तो आप देखते हैं, अच्छा ये पॉडकास्ट, जैसे आपने देखा कि यहाँ
कराची पराठा रोल है, एक कराची पराठा रोल निकला तो फिर असली कराची पराठा रोल, असली असली कराची पराठा रोल, सबसे असली कराची पराठा रोल, सिल्वर स्पून, तो लाइन लग जाती है पीछे। ये हमने नहीं करा, जो शाकिर साहब ने बात की, हमने यू हैव टू फाइंड योर सेल्फ, अपने अंदर झांकें कि आप जो है ना, जितने भी लोग बैठे हैं आप सारे स्पेशल हैं, आप सबको अल्लाह ने क्वालिटीज दी है, कोई ना कोई क्वालिटी आप सबको दी है, उसको ढूंढें, उसको तलाश करें। और फिर सक्सेस का, जैसे मैं कह रहा था ना कि सक्सेस की डेफिनेशन जो लोग हमें दे रहे हैं वो नहीं, जो अल्लाह हमें डेफिनेशन देगा सक्सेस की डेफिनेशन वो है। और वो सक्सेस क्या है, जिंदगी में एक मकसद बनाए। जैसे शाकिर साहब हैं, जर्नलिज्म कर रहे हैं, ये आम आदमी की आवाज है। इकरारुल हसन साहब ने आना था, इकरारुल हसन साहब ने जब शुरू किया वो क्या सरेआम करते हैं, वो गरीब की आवाज बन रहे हैं, वो काली भेड़ों को उनकी निशानदेही करते हैं। मियां इमरान साहब ने आना था, आप उनको देखें, वो भी सड़कों पे होते हैं, गरीब की आवाज बन रहे हैं, काली भेड़ों जो इदारों में है, काली भेड़ हैं, उनकी निशानदेही करते हैं। तो पहले मकसद, एक अच्छा मकसद बनाए जो आपके लिए आखिरत में आपके काम है, उसके बाद आप पैसे को सेकेंडरी रखें, उसको प्राइमरी ना रखें प्लीज। मैंने अपने 10-12 साल में एक चीज़ सीखी है, जब से मैंने खुद से कमाना शुरू किया, मैंने एक चीज़ सीखी है कि रिस्क ऐसे ढूंढता है आपको जैसे मौत आपको ढूंढती है। तो कुछ रिस्क तो ऐसा है जो आपको मिल के रहेगा, कुछ ऐसा है जिसके लिए आपको कोशिश करनी पड़ेगी, तो कोशिश आप डेफिनेटली करें। तो मैंने ये नहीं कह रहा कि आप कोशिश ना करें, लेकिन मैंने ऐसी ऐसी, मैं बताऊं कि मैंने ऐसे वक्त देखे हैं जब मेरे पास बिल्कुल अगले दिन का पैसा नहीं होता था, कुछ नहीं होता था मेरे पास। हालांकि आई एम वेल ऑफ, मतलब कमी नहीं है, लेकिन मैंने वालिद से मांगते थे, मुझे हेजिटेशन होती थी, मैं नहीं मांगता था। लेकिन ऐसे ऐसे वक्त आए हैं जब अगले दिन का नहीं होता था, मांगना किसी से नहीं, तो मैंने होते हुए देखा है कि रिस्क कैसे आता है, कहां कहां से आता है। इवन यहां तक के मैंने कभी ऐसा होता था कि अब पैसे नहीं है, तो बेगम कहती थी अब हंस क्यों रहे, मैं कहता था कि कोई कॉल आने वाली है, कोई प्रोजेक्ट आने वाला है, और खुदा की कसम कॉलों का तांता पता नहीं कहां से मैंने अपनी आंखों से देखा, तो इतनी टेंशन ना लिया करें, अपना मकसद बनाए, कोई पॉजिटिव काम करें। और अच्छा, सोशल मीडिया पे करना क्या है ये आपको पता लग जाएगा, क्या नहीं करना ये भी जानना बहुत जरूरी है। इस वक्त जो सोशल मीडिया पे हो रहा है, जो जो आप देख रहे हैं, जब से ये बॉम्ब सोशल मीडिया का फटा है ना दुनिया में और पाकिस्तान में, हमारी नौजवान नस्ल जो है वो एक्सपोज हो गई, हमारी कोताहियाँ एक्सपोज हो गई। आज जो नौजवान देख रहा है, आज जो नौजवान बना रहा है, हमें देख के शर्म होती है, तो वो काम हमने नहीं करना। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम इस चीज़ को ही छोड़ दें, जैसे हाफिज साहब ने कहा आपने सोशल मीडिया पर ज़रूर आना, आपने जो काम, जैसे फॉर एग्जांपल डेली ब्लॉगिंग है, लोग उसको गलत कर रहे हैं, आप उसको सही करें, पॉडकास्टिंग हो रही है, आप उसको अपने तरीके से करें, हर चीज ट्राई करें, और गलतियां होती रहेंगी, फेलियर्स आते रहेंगे, उससे आपने घबराना नहीं है। फेलियर वो कहते हैं बेस्ट टीचर है आपका, आप फेलियर से, आप सक्सेस से नहीं सीखते जितना आप फेलियर से सीखते हैं। मैं आपको बताऊं, आप भूल गए लेकिन अच्छी परफॉर्मेंस है ना पर्ची की भूल गई। अच्छा, एक और बात आपको बताऊं, याद आ गई, पर्ची नहीं निकाली कि मैंने सब कुछ मॉडर्नाइज कराया, कि मैं आपको रिस्क की मिसाल दे रहा था, मैंने सब कुछ मोनेटाइज कराया। जो एक साहिल अदीम साहब है, यूट्यूबर है, उन्होंने कहा था कि टैंकी जो है ना, टैंकी में जितना पानी है
पानी उतना ही है, जितनी मर्जी टूटियां लगा रहे, ठीक है, पानी उतना ही है, उतना ही मिलेगा। मैंने सब कुछ मोनेटाइज कराया, जो एक रकम एक चैनल से आ रही थी वो चार चैनल दुनिया में लग गई, इतनी अजीब बात है। तो एनी वे यहाँ पर मैं प्रदान करूँगा और उनके पर्ची मैंने निकाल ली और मैं देखना भी नहीं चाहता, ठीक है। बहुत शुक्रिया। एक बात जो मैंने शुरू में करनी थी, MSM, बहुत खुशी हुई जान के कि सोशल डेडिकेटेड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म मैंने करी दफा सुना, और मुझे बहुत खुशी हुई कि आप लोग सोशल मीडिया के लिए काम कर रहे हैं, इसी तरह करते रहें। अल्लाह आपकी तौफीक आमीन। बहुत शुक्रिया, सलामत है। अल्लाह।